हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आपको हम पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो कि आपके फर्स्ट ईयर में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है ऑल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर चल रहा है स्केल। स्केल के चैप्टर में हमने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने स्केल की डेफिनेशन बताई थी। स्केल के बारे में बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका क्यों इंपॉर्टेंस होती है स्केल की, यानी कि मापनी क्यों महत्वपूर्ण है आपको ड्राइंग बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को देखिए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे निरूपक भिन्न को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, निरूपक भिन्न को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में यहां पर समझते हैं। ठीक है, देखो जो इसका यहां पर जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, यानी कि निरूपक भिन्न की जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है वो इसकी परिभाषा होती है। आप फॉर्मूला बोल दो, परिभाषा बोल दो, सेम बात रहेगी। तो क्या होता है ये, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर निरूपक भिन्न को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। देखो निरूपक भिन्न क्या होती है, आर एफ हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन होता है आपका वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। कैसे, देखो मैंने यहां पर बताया वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को, ये अनुपात बन गया है, के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। ठीक है, यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 2 से 3 नंबर में पूछी जाती है निरूपक भिन्न। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, वस्तु की ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। अब देखो वस्तु की ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप क्या होती है और वस्तु की वास्तविक माप क्या होती है। देखो कोई वस्तु यानी कि हमें कोई रोड की ड्राइंग बनानी है। रोड है आपका 10 किलोमीटर का। ठीक है, हमें कोई रोड है, उस रोड की ड्राइंग बनानी है, वो 10 किलोमीटर का रोड है। अब 10 किलोमीटर के रोड की हमें ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग हमें किस पर बनानी है, ड्राइंग सीट। अब जो ड्राइंग सीट होती है आपकी छोटी होती है। ठीक है, छोटे साइज की ड्राइंग सीट होती है आपका, इतना तो होता नहीं कि 10 किलोमीटर की आप ड्राइंग सीट लेकर आओगे। ठीक है, आप छोटी भी बनाओगे तो वहां पर आप क्या करते हो, आप 10 किलोमीटर को छोटे साइज में बदलने के लिए स्केल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना वस्तु की 1 किलोमीटर लंबाई, हम क्या कर लेते हैं, वस्तु की 1 किलोमीटर लंबाई को ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाना, 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वस्तु की जो 1 किलोमीटर की लंबाई है, हमने उसको ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिया। समझे, वस्तु की जो 1 किलोमीटर की लंबाई है हमने उसको ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिया। तो 10 किलोमीटर को कितने में दर्शा दिया हमने, 10 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, 10 सेंटीमीटर में दर्शा दिया ना। अब यहां पर देखो क्या समझो बात, यहां पर निकलता है ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप 1 सेंटीमीटर और वस्तु की वास्तविक माप 1 किलोमीटर। तो यहां से हमारा क्या निकल जाता है, निरूपक भिन्न निकल जाता है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग बनाए तो वहां पर हमारी क्या निकल जाती है, निरूपक भिन्न निकल जाती है। कैसे, क्योंकि हमारी जो रोड है वो 10 किलोमीटर का है और उसकी ड्राइंग बनानी है ड्राइंग शीट पर, तो ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, बड़ी दूरी को छोटी दूरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्केल पर ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारी जो वास्तविक दूरी है 1 किलोमीटर है, वास्तविक दूरी हमारी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को हमने कितने में दर्शा दिया,
एक सेंटीमीटर में दर्शा दिया, किस पर? ड्रॉइंग पर। तो एक सेंटीमीटर क्या है? ड्रॉइंग पर दर्शाने वाली माप क्या है? यानी कि वस्तु की ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप हो गई। और एक किलोमीटर क्या हो गई? आपकी वास्तविक माप हो गई। तो यहां से आपका क्या निकल जाता है? निरूपक भिन्न निकल जाता है। अब देखो यहां पर मैंने ले लिया आर एफ, समझना सारी बातें, फिर हम डेफिनेशन पर चलेंगे जो मैंने यहां पर लिखी है। यहां पर मैंने ले लिया आर एफ, ड्रॉइंग शीट पर वस्तु की ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप एक सेंटीमीटर, ठीक है, और माना वस्तु एक किलोमीटर लंबाई है, यानी कि इसकी वास्तविक होगी और वस्तु की वास्तविक लंबाई होगी एक किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये आर एफ है, आर एफ क्या होती है? एक अनुपात हो गया, अनुपात में और आर एफ में क्या होना चाहिए? अब यहां पर आपको कुछ अंतर दिख रहा है, वो देखो आपको कुछ अंतर दिख रहा है। देखो इकाई का, ये क्या है? इकाई, ये सेंटीमीटर में इकाई, ये इकाई क्या है? सेंटीमीटर में, और ये इकाई है किलोमीटर में। इकाई मतलब यूनिट, इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट, इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट। ये यूनिट सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में है, बट अनुपात क्या कहता है हमारा, या आरएफ हमारी क्या कहती है कि दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। बाद में जब आपने इसको आरएफ में रख दिया, आरएफ में फिल कर दिया, ये दूरी आपने आरएफ में फिल कर दी, निरूपक भिन्न में फिल कर दी, तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। अब ये सेंटीमीटर में है, वन सेंटीमीटर, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है? तो वो आपको यहां पर निकाल लेना है, वो यहां पर आपको निकाल लेना है कि कितने सेंटीमीटर होंगे। अब देखो ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्योंकि अनुपात क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी यूनिट या किसी का भी अनुपात करते हैं तो वो यूनिट लेस हो जाता है, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाएगी सेम यूनिट में चेंज करने के बाद। तो आरएफ क्या होता है? आरएफ क्या होता है? इकाई से, आरएफ की कोई इकाई नहीं होती, आरएफ क्या होता है? आरएफ की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। तो अब चलिए यहां पर हम डेफिनेशन पर चलते हैं। ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आई? देखो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, आरएफ की डेफिनेशन क्या होती है? आरएफ की डेफिनेशन होती है वस्तु की ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप के अनुपात को। यहां पर अगर हम आगे बोल दें वस्तु की ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को, क्या के अनुपात, अनुपात को क्या बोलते हैं? निरूपक भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है निरूपक भिन्न हम कैसे निकालते हैं? जैसे कोई रोड है 10 किलोमीटर का है और ड्राइंग पर हमें उसकी ड्राइंग शीट बनानी है, ड्राइंग पर हमें उसे ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना वस्तु एक किलोमीटर लंबाई की ड्रॉइंग पर एक सेंटीमीटर में दर्शाना, ठीक है। एक किलोमीटर की लंबाई को हमने क्या किया? एक सेंटीमीटर में दर्शाया, ठीक। हमने इसको आर एफ में रख दिया, ठीक है। ड्राइंग पर प्रदर्शित माप एक सेंटीमीटर, वास्तविक माप एक किलोमीटर, हम दोनों की यूनिट समान करेंगे, दोनों की यूनिट समान करेंगे, तो ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बदल दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया। अब देखो यहाँ से सारी चीज़ें कैसे बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निरूपक भिन्न, सबसे पहले हम देख लेते हैं निरूपक भिन्न। देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बताई ना, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न क्या होता है? देखो ड्रॉइंग में किसी वस्तु की प्रदर्शित, ठीक है, ड्रॉइंग में किसी वस्तु की प्रदर्शित माप, यहां पर माप आएगा, माप, ठीक है। ड्रॉइंग में किसी वस्तु की प्रदर्शित माप, ये जो हम ड्रॉइंग बना रहे हैं उसमें उस वस्तु की प्रदर्शित माप, तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को, वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। और वही चीज मैंने यहां पर बताई थी कि वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप, और वही यहां पर आपकी डेफिनेशन निकलती है, ड्राइंग में किसी वस्तु की प्रदर्शित माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। यहां पर फॉर्मूला हम कैसे निकाल लेते हैं? निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न को हम आर एफ शॉर्ट में आर एफ भी लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम शॉर्ट में आर एफ भी लिख देते हैं। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या निकल जाता है? वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप, वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल गया? वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप।
जो भी वस्तु आप ले रहे हो उसकी ड्रॉइंग में प्रदर्शित माप आपने क्या लिया और उसकी वास्तविक माप क्या है जो आपने अनुपात माना है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, आरएफ। अब देखो यहां पर हमने एक चीज लिखी है, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना। देखो ये किसी भी अनुपात का अंश होता है और ये किसी भी अनुपात का हर होता है। भाई जब हम बटे में कोई वस्तु लिखते हैं, बटे में हम कुछ भी अनुपात लिखते हैं, तो ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। ये तो क्लियर पता है ना, मैं तो पढ़ गए। जब हम बटे में कोई वस्तु लिखते हैं तो ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। अब देखो ये चीज यहां पर है, निरूपक भिन्न में अंश व हर की इकाई, अंश व हर की इकाई समान होनी चाहिए। निरूपक भिन्न में जो मैंने यहां पर बताया था, ये निरूपक भिन्न है, ये एक सेंटीमीटर आपकी ड्रॉइंग पर प्रदर्शित माप और एक किलोमीटर आपकी वास्तविक माप, दोनों की इकाई क्या है अलग अलग है, ये सेंटीमीटर ये किलोमीटर है। तो निरूपक भिन्न में दो अंश और हर में इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए मैं किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आगे चलिए, ठीक है, क्योंकि यह एक अनुपात है, क्योंकि यह एक अनुपात है, यह क्या है एक अनुपात है। और अनुपात क्या होता है आपका, अनुपात क्या होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, जिसकी कोई इकाई नहीं होती। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं यहां पर बाद में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देते हैं। तो यहां पर लिखा है आरएफ की कोई इकाई नहीं होती है, सॉरी यहां पर मैंने लिखा है आरएफ की कोई इकाई नहीं होती है। तो आरएफ क्या होता है, यूनिट लेस होता है। और यूनिट लेस कब होगा, जब हम उनकी इकाई को समान करेंगे। पहले अंश और हर, निरूपक भिन्न में अंश और हर की इकाई को हम समान करेंगे, फिर वो आपस में कट जाएगी और कटने के बाद हम बोल सकते हैं कि आरएफ की कोई इकाई नहीं होती। क्लियर है, तो यहां पर आप बोलेंगे आरएफ की कोई इकाई नहीं होती। अब देखो आरएफ के आधार पर मापने के प्रकार, आरएफ के आधार पर मापने के प्रकार, आरएफ के आधार पर मापनी तीन प्रकार की होती है। किसके आरएफ, निरूपक भिन्न, आरएफ मतलब निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के आधार पर तीन प्रकार की होती है, एक होती है फुल साइज स्केल यानी कि पूर्ण आकार की मापनी, एक होती है रिड्यूसिंग स्केल यानी कि लघुकरण मापनी, एक होती है आपकी अनलार्जिंग स्केल यानी कि वर्धमान मापनी। अब इनके बारे में समझते हैं, ठीक है, तो अब हम इनके बारे में यहां पर समझते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फुल साइज स्केल, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं यहाँ पर फुल साइज स्केल क्या होती है, यहाँ पर आपको पूछी भी जा सकती है पूरी की पूरी, कभी कभी क्या होता है ये पूरा पूछ लेता है आरएफ क्या होता है, आरएफ, आरएफ के आधार पर मापने के प्रकार भी बताइए, ठीक है। अगर ऐसा आपको आ जाए तो आप ये यहाँ से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा आ जाए तो आप निकाल सकते हैं आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, निरूपक भिन्न क्या होता है, और निरूपक भिन्न के आधार पर मापनी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। निरूपक भिन्न के आधार पर मापनी के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण आकार की मापनी, लघुकरण मापनी, वर्धमान मापनी, यानी कि फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, अनलार्जिंग स्केल। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फुल साइज स्केल के बारे में, पूर्ण आकार की मापनी के बारे में, हम सबसे पहले पूर्ण आकार की मापनी के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्ण आकार की मापनी क्या होती है कि जो साइज वस्तु की माप का है वही साइज आपने ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर दिया। यानी कि मैं मान लेता हूं ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है और 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, वास्तविक माप हो गई। और इसी 10 सेंटीमीटर का आपने सेम ड्राइंग शीट पर भी 10 सेंटीमीटर का ही मार्कर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मतलब ये मेरे पास ड्राइंग शीट है, ये मेरे पास ड्राइंग शीट है, ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है ड्राइंग शीट, ये मेरे पास एक ड्राइंग शीट है और मुझे इस मार्कर की ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो मैं, मुझे पता है कि जो ये मार्कर है इसकी वास्तविक हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर का ही मैंने यहां पर मार्कर ड्रॉ कर दिया, 10 सेंटीमीटर का ही मैंने यहां पर मार्कर ड्रॉ कर दिया ड्रॉइंग शीट पर, यह मैंने ड्रॉइंग शीट पर ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर का ही, तो 10 सेंटीमीटर का ही मार्कर था, 10 सेंटीमीटर की मैंने इसकी ड्राइंग बनाई। तो ये क्या हो गई फुल साइज स्केल, जितने जिस माप की वस्तु है, जिस माप की वस्तु है उसी माप की आपने उसकी ड्राइंग बना दी, तो वो क्या होती है फुल साइज स्केल। तो इसमें हम बोल सकते हैं जब आरएफ एक के बराबर हो, यहां पर हम बोल सकते हैं जब आरएफ एक के बराबर हो, यानी कि आरएफ इज इक्वल टू वन, कैसा आया
कैसा आया वो समझिए, कैसा आया वो समझिए, ठीक है। आर एफ इजगल टू, जब आर एफ एक के बराबर हो तो मैंने लिखा आर एफ इजगल टू वन, मैंने लिखा यहां पर, देखो मैं दिखा देता हूं आपको, हम यहां पर दिखाते हैं, माना वस्तु की माप 10 सेंटीमीटर को ड्राइंग शीट पर ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर में दर्शाना, ठीक है। तो आपने वस्तु की 10 सेंटीमीटर की माप को ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, तो ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर में दर्शाना क्या हो गई, इसकी वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, और वास्तविक माप कितनी हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आरएफ देखो क्या होता है, आरएफ इजकल टू, आरएफ क्या बोलता है, ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप, ठीक है, वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग पर प्रदर्शित माप कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की माप कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, वस्तु की वास्तविक माप हो गई, तो वस्तु की वास्तविक माप कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से जब गया कितना आ गया 1, और यहां से इसको काटना तो 1, तो आर एफ इजकल टू 1, जब आर एफ 1 के बराबर हो तो वो आपकी कैसी हो जाएगी फुल साइज स्केल। तो वहां पर जो अनुपात आएगा ना आर एफ का, आर एफ इजकल टू वहां पर कितना होगा 1/1 होगा, ठीक है। जैसे यहां पर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, या 200 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि एक फुल साइज स्केल है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग स्केल यानी कि लघुकरण मापनी की। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग स्केल लघुकरण मापनी। लघुकरण मापनी क्या होती है, कहां पर हम लघुकरण मापनी का प्रयोग करते हैं, जब कोई बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु या किसी शहर का नक्शा बनाना है या किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, और उसको आपको छोटा करके दिखाने के लिए, उसको छोटा करके दिखाने के लिए आपको क्या करते हैं, आप रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी शहर का नक्शा बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, तो उनकी माप क्या है बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक माप को आपको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं जब आरएफ एक से कम हो, यानी कि आरएफ एक से कम हो, कैसे एक से कम हो रही है वो देखो, यहां पर देखो, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, यहीं पर दिखा देता हूं। जब आरएफ एक से कम हो तो देखो, यहां पर देखो, हम यहीं पर देख लेते हैं, देखो, माना वस्तु की लंबाई 20 मीटर को ड्राइंग शीट पर कितना 1 सेंटीमीटर में दर्शाना। तो आपने क्या किया, आपने वस्तु की लंबाई 20 मीटर है और उसको 1 सेंटीमीटर में दर्शा दिया, तो ये क्या हो गई, वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप, और ये क्या हो गई, वस्तु की वास्तविक माप। तो आरएफ क्या बोलता है हमारा, आरएफ बोलता है वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप, वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप कितनी है 1 सेंटीमीटर बटे, और वस्तु की वास्तविक माप कितनी है 20 मीटर, ठीक है। देखो अभी यूनिट अलग अलग है, तो किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे 100, तो कितना आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर, इससे इसे काट दो, तो आर एफ इज इक्वल टू 1/200 आपके पास आया। जब 200 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, क्या आएगा, पॉइंटों में, आरएफ क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। जब 1 को आप 200 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो आरएफ क्या हो गया, पॉइंटों में हो गया, 1 से कम है
पॉइंट ऑफ आएगा तो एक से कम आएगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं जब आर एफ एक से कम हो, आर एफ इज लेस देन वन। अनलार्जिंग स्केल, अनलार्जिंग क्या स्केल होती है, जब छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना होता है, जब छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना होता है, तो यहां पर आर एफ क्या होगी, जब आर एफ एक से अधिक हो, तो हम यहां पर बोल सकते हैं जब आर एफ एक से अधिक हो, अधिक हो यानी कि आर एफ ग्रेटर देन वन, आर एफ ग्रेटर देन वन। तो आर एफ ग्रेटर देन वन की कंडीशन कैसे बनती है, ठीक है, ये सारी चीजें ही आएगी आपको जब आगे आगे ड्राइंग पढ़ते जाएंगे ना, हम आपको पता लगता जाएगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब आगे हम इनकी ड्राइंग भी बताएंगे आपको कैसे कैसे बनेगी। अब यहां पर देखो ग्रेटर देन वन कैसे होगा, देखो वस्तु की लंबाई है आपकी एक सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु की लंबाई हम मान रहे हैं एक सेंटीमीटर है, और एक सेंटीमीटर को आपने ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट पर आपने पांच सेंटीमीटर में दर्शाया, दर्शाना, ठीक है, पांच सेंटीमीटर में दर्शाया। तो आर एफ क्या है आपकी, आर एफ क्या है, वस्तु की ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप पांच सेंटीमीटर, और वस्तु की वास्तविक माप एक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, अब जब आप इसको देख रहे हो आर एफ कितना है, एक से अधिक है, तो आर एफ बराबर पांच आया, तो आर एफ क्या है, एक से अधिक है, तो आर एफ हमेशा एक से अधिक होगा। किसमें, लार्जिंग, वर्धमान मापनी में, लघुकरण मापनी में क्या होगा, एक से कम होगा, इसके फुल साइज स्केल में क्या होगा, एक के बराबर होगा। तो ये था आपका पूरा आर एफ का, यहाँ पर ये पूरा आर एफ के बारे में हमने लिया है। आर एफ क्या होती है, आर एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ के आधार पर मापनी कितने प्रकार की होती है, तो ये पूरी हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन पर ये पूरा लेक्चर बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे मापनियां कितने प्रकार की होती है और आपके सिलेबस में कितने प्रकार की मापनियां है, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।